विराट, तुम अकेले क्यों आए हो? देविताई कहाँ है? विराट, तुम तो देवयानी को लेने गए थे ना? फिर उसे साथ में क्यों नहीं लाया? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी बेटी ठीक है ना? विराट, उस धोखेबाज पुलकित को अरेस्ट किया कि नहीं? उस पुलकित ने वापस कोई चालबाजी तो नहीं की ना? विराट, मुझे इस मक्कार का पता दे, मैं खुद लेकर आऊंगी मेरी बेटी को, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। विराट, चुप क्यों? फिर कुछ बताओगे भी या नहीं? विराट क्या बताएगा, इसकी चुप्पी तो सब बता रही है। यहां सारे पड़ोसियों के सामने पूरे परिवार की बेइज्जती करके वो सही चली गई होगी पुलकित के यहाँ, और जब विराट उसे गिरफ्तार करने गया होगा तो वहां भी उसने जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा किया होगा। ये लड़की कुछ भी कर सकती है, उसी ने देविताई को यहाँ नहीं आने दिया होगा बड़ी मामी। दीवा रे दीवा, कयू सही ने फिर से तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की धमकी, चेतावनी, वार्निंग तो नहीं दी ना, जैसे पिछले बार दी थी? आई, अभी तक विराट दादा ने एक शब्द भी नहीं कहा है, आप बेवजह सही वहनी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? एक बार विराट दादा को कुछ बोलने तो दीजिए। अब विराट दादा, कहीं सही भाभी पुलकित के घर में रुकी थी क्या? अरे वहां नहीं जाएगी तो और कहां जाएगी? एक चोर मुसीबत में दूसरे चोर के पास ही तो जाता है। ये सही नाम का ग्रहण घर से हट ही नहीं रहा है, वो ये घर छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर भी मनहूसियत पीछे छोड़कर गई है। कब हटेगी ये मनहूसियत पता नहीं। विराट, तुम काफी परेशान लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम सही का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हम सब तुम्हारा परिवार है विराट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एटलीस्ट हम सबको तो ये बताओ कि हुआ क्या है, क्या सही ने फिर से तुम्हें कोई नया धोखा दिया है? बस पता लिखा, दामाद जी नहीं आए? काहे जाला, तू रो क्यों रही है? दामाद जी साथ क्यों नहीं आए, सब ठीक तो है ना? मैंने विराट सर और उनका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मतलब विराट कोई आदत है क्या जो तू ऐसे ही छोड़ देगी? नवरा है वो तेरा, सही तेरा और विराट का जन्मों जन्मों का बंधन बन चुका है। तामा जी ने इस जन्मों के बंधन को पल भर में तोड़ दिया। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्हें ताई से माफी मांगकर उन्हें वापस अपनाना ही पड़ेगा। अपने गांव की बेटी का ऐसा अपमान हम नहीं सहेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सही और उषा ताई जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे मतलब? विराट सर को यहाँ आना पड़ेगा और सही को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। जब अपनी मर्जी से सही की जिम्मेदारी उठाई थी तो पीछे कैसे हट सकते हैं? दादा चाहते थे कि सही की जिम्मेदारी आप ले। अगर आप नागपुर जाते हैं तो आपको सही को भी साथ लेकर जाना ही होगा। आप सही से शादी कर लीजिए। हम सब ने इस बारे में बहुत सोचा और हम सबका यही मानना है कि इससे बेहतर कोई हल हो ही नहीं सकता। काका, विराट सर ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं की थी, आप लोगों ने मजबूर किया था उन्हें। आप क्यों रो रही हैं उषा मौसी? मैं ठीक हूं ना, सही सलामत हूं। वैसे भी ये दिन एक ना एक दिन तो आना ही था। प्लीज रोइए मत। सही
उषा ताई, आप दोनों जितने भी दिन चाहो मेरे घर पे रह सकती हो। सही बेटा, विराट सर ने तुम्हें डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ली थी और बीच में ही ऐसे छोड़ दिया। अब तुम करोगी क्या? और तुम्हारी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाएगी बेटा। कौन बोला कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी? मैंने अपने आबा से वादा किया था कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी, भले कोई मेरा साथ दे या ना दे। लेकिन सही, हम यहाँ आ गए हैं फिर तू? शमोशी, मैं गढ़चिरौली 2 बजे से आई हूँ। एक, आभा के बैंक में से पैसे निकालने हैं। दूसरा, आपको यहाँ वापस छोड़ने। अब मैं नागपुर वापस जाके। पागल हो गई क्या? मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ने वाली। उषा मौसी, मुझे नागपुर वापस जाना पड़ेगा। मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दे सकती। लेकिन तू कहाँ रहेगी सही? मैंने दामाद जी को कहते हुए सुना था, हॉस्टल में सिर्फ कुंवारियां ही लड़कियां रहती है, शादीशुदा लड़कियों को वहाँ इजाजत नहीं है। हाँ, रूल्स तो ऐसे ही हैं, लेकिन मैं डीन सर से रिक्वेस्ट करूंगी, वो मुझे परमिशन दे देंगे। सही, हम वापस नागपुर जाके किराए के मकान पर रहते हैं ना? अभी हम में इतनी ताकत नहीं है, और आभा के बैंक में जितने भी पैसे, उनसे 2 लोगों का खर्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं जैसे ही डॉक्टर बन जाऊंगी ना, मैं खुद आपको वापस लेने आऊंगी और फिर हम एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर साथ में रहेंगे खुशी खुशी। सही, हम पुलकित के घर भी तो रह सकते हैं ना? नहीं उषा मौसी, हम उस घर में नहीं रह सकते, सिर्फ इसलिए कि मैंने देवीताई और पुलकित सर की शादी करवाने में मदद की है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मेरी इतनी बड़ी मदद करनी पड़ेगी। मदद के बदले मदद मांगना तो सौदा होता है ना? ये तू इसलिए बोल रही है ना, तुझे मेरे साथ नहीं रहना है? उषा मौसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस आपको अपनी तकलीफों में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती। आपने वैसे ही मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है और आप यहाँ पर सबके साथ रहेंगी तो मुझे चिंता नहीं होगी आपकी, और फिर मैं शांति से पढ़ाई में ध्यान लगा पाऊंगी। बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरी सई और दामाद जी के बीच की दूरियां खत्म कर दीजिए, दोनों को फिर से करीब ले आइए, दोनों को फिर से एक कर दीजिए। बहुत बदनामी कर ली तुमने सही की, अब उसका नाम तक नहीं लोगी तुम। विराट, ऐसे देख के मुझे बहुत डर लगने लगा है। विराट, कहीं सही को कुछ, सही वहां पुलकित के घर में थी ना? नहीं आई, सही वहां नहीं थी। और हाँ, पुलकित को अरेस्ट करना और देवीताई को उनकी मर्जी के खिलाफ इस घर में वापस लाना अब पॉसिबल नहीं है। अगर सई ने कुछ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे। विराट, मैं समझ सकती हूँ कि सई ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी और उसकी इन हरकतों की वजह से तुम परेशान भी हो, लेकिन मुझ पर चिल्लाने की बजाय तुम हमें बताओ तो सही कि सई ने इस बार ऐसी कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। मुसीबत उसने नहीं, मैंने खड़ी की है। अपनी ना समझी और बेवकूफी में मैंने सई के साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया है।
विराट, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने सई के साथ जो कुछ भी किया ना, वो बहुत कम है। नहीं काकू, उल्टा सई ने जो हमारे साथ किया ना, वो कम है। क्योंकि गुनहगार हम हैं, वो नहीं है। जो सही कह रही थी वही सच है। तेरा मतलब क्या है विराट, खुलकर बता। पुलकित के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें उसकी वाइफ का नाम देवयानी चव्हाण ही है। खंडोबा, लगता है विराट को सब सच पता चल गया है। मेरी बच्ची कहती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, न मैंने न उसके पति ने। उसके सच के लिए उसको इतनी बड़ी सजा दी, उसको आधी रात को घर से निकाल दिया गया। मैंने सबसे पहले ही कहा था, अगर सही वहीनी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा। ये ठीक नहीं हुआ है वहीनी के साथ। दादा, आपने सही वहीनी के साथ बहुत गलत किया। वहीनी कहती रही कि पुलकित धोखेबाज नहीं है, पुलकित मक्कार नहीं है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। बीपी, तुम चुप रहोगे? मूड देख रहे हो सबका, बहुत खराब है। मगर पुलकित देवयानी को अपनी पत्नी कैसे बता सकता है? उनकी शादी कब हुई थी? क्या सबूत है उसके पास? सबूत है भाई, नहीं सबूत है अपनी देवी। उसने तो खुद कहा था ना कि उसे याद है कि उन दोनों की शादी हुई थी मंदिर में। और अब तो सही की मदद से दुनिया के सामने उन दोनों ने धूमधाम से शादी की है। वहीनी, दो बिछड़े हुए को मिलवाने की इतनी बड़ी सजा मिली है सही वहीनी को। सबके सामने उन्हें बेइज्जत किया गया, यहां तक कि दादा आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दो सच्चे प्रेमियों को मिलवाना इतना बड़ा गुनाह है? बस मोहित, सही भाभी की तरफदारी करना बंद करो। चलो मान लिया उन्होंने जो किया वो सही होगा, लेकिन उनकी ये हरकतें तो जायज नहीं ठहरा सकते ना, है ना? इस घर के बड़ों ने जो हरकत की है उसके सामने सही वहीनी की हरकत कुछ नहीं है करिश्मा। मोहित, घर के बड़े बुजुर्ग एल्डर्स जब बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की जरूरत है क्या कि तू बड़ों की इज्जत करता है या नहीं? ये सही के साथ रह रहकर ना उसी के जैसे बर्ताव करने लग गया है। बड़ों की इज्जत करने का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बस गलतियां करते जाए और हम बस उसे चुपचाप देखते रहे। इस घर के बड़ों ने जो सही वहीनी के साथ किया है ना, ये बहुत गलत किया है। आप लोग सब सच्चाई जानकर खुश नहीं है कि आज देवी सही अपने पति के साथ है? मुझे तो अभी भी गड़बड़ लग रही है विराट। तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर पुलकित ने देवीताई को अपनी बीवी माना है तो इतने बरसों तक वो देवीताई को ढूंढने क्यों नहीं आया? कैसे उसे एक दिन अचानक महाशिवरात्रि पर याद आया कि अरे मेरी तो कोई बीवी भी है, मुझे उसे यहाँ लेकर आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना विराट कि पुलकित ने किसी देवयानी नाम की औरत से शादी कर ली हो, या फिर संगीता का नाम बदलकर देवयानी कर दिया हो। पत्रलेखा बिल्कुल पते की बात कर रही है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है पुलकित ऐसा कर सकता है। उसने जरूर कोई चाल चली है। बस हाँ, चाल चली है, लेकिन पुलकित ने नहीं, हमारे ही घर के
एक सदस्य ने। क्या मतलब है तेरा विराट? इस घर के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया है? किसी ने चाल चली है? खुलकर तो बता। बताता हूं। आज मैं सही के कॉलेज में गया था पुलकित के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करने के लिए। वहां मुझे पता चलता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। देवयानी चव्हाण का नाम हटाकर संगीता देशपांडे का नाम लिखा था। और ये करने के लिए कॉलेज के स्टाफ को रिश्वत दी गई थी। और वो रिश्वत देने वाले और कोई नहीं बल्कि मुझे नहीं पता कौन था, बट मैंने चुपचाप से उसकी फोटो खींच ली। मेरे ओमी काका है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।